हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। तो सबसे पहले जो है एचडीएफसी बैंक के ऊपर, इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था और जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको याद होगा जो हम लोगों ने इस लेवल पे 1513 के लेवल पे जो है आपको एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट किया था। 1535 हम लोगों का स्टॉप लॉस था इस स्विंग हाई के ऊपर और वहां से जो है हम लोगों को मोर देन 1:2 का आपको प्रॉफिट मिल चुका है और यहाँ पे जो है एक पोजीशन हम लोगों का क्लोज हो चुका है। फिर से जो है आपको सेम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस जो है स्लो एंड स्टडी डाउनसाइड मूवमेंट हो रहा है। बैंक निफ्टी भी आपको यहाँ पे जो है आज का क्लोजिंग जो है एक निगेटिव साइड में दिया है। तो यहाँ पे जो है अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो एचडीएफसी बैंक जो है उसमें एक अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब जो है हम लोग लेवल्स की बात करते हैं जो कहां पे हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो एचडीएफसी बैंक को हम लोग शॉर्ट करेंगे आपको 1493 के नीचे। जब तक स्टॉक प्राइस आपको 1493 के नीचे क्लोज नहीं होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम लोग यहां पे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं। हम लोगों का स्टॉप लॉस आपको होने वाला है 1507, बिल्कुल इस रेंज के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा रेंज यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, आज मॉर्निंग सेशन में ब्रेकआउट जरूर हुआ था, उसके बाद फिर से जो है आपको स्टॉक प्राइस इसी रेंज में आके फंस गया है। अगर इस रेंज के नीचे फिर से निकलता है तो यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है और जो है स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा है नहीं, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो ऑलमोस्ट 1% का जो है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस है और जो है टारगेट आपको यहाँ पे 30 to 35 पॉइंट जो है इजीली आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। अगर सबसे इमीडिएट टारगेट की आप बात करेंगे तो 1462 जहाँ पे कि आज का आपको लो था, ये आपका सबसे पहला टारगेट होगा और अगर आपको ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो स्टॉक जो है और आपको नीचे जा सकता है, 1440 के लेवल तक भी स्टॉक आपको निकल सकता है। तो इसलिए इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब तक स्टॉक प्राइस आपको 1493 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम लोग यहां पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। एक बार अगर 15 मिनट का एक कैंडल 1493 के नीचे क्लोज हो जाता है एक अच्छा कैंडल, तो हम लोग यहां पे जरूर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होने वाला है 1507, टारगेट जो है आपका 1460 1440, इन सभी टारगेट के लिए जो है हम लोग वहां पे आपको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को कल ट्रेड एग्जीक्यूट करने में काफी आसानी होगी और उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है आप लोग ऑप्शन प्राइस को भी यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस को आपको सेलेक्ट करना है और क्या आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।